और अंधविश्वास इसके बीच की लकीर को आज हम समझने की कोशिश अपने खास पैनल के लिए जर्द कर रहे हैं। चर्चा के आखिरी चरण में बहुत जल्द जल्द रिएक्शन आप सभी से चाहूंगी। जितेंद्र खुराना जी, आपसे जल्द रिएक्शन मैं इस पर जानना चाहूंगी। सिर्फ एक किताब के बेस पर क्या किसी के किरदार को पूरी तरह से 100% सच मान लेना और आस्था पर चोट करना सही है? उस किताब ने तो सारा ये सब प्रचार किया है। उस किताब में तो 25-30 जो चमत्कार है उसी का प्रचार किया गया अब तक 30-40 साल। तो चलिए, आप मानते हैं 100% उस किताब को सच? आशु जी, जल्द आपसे रिएक्शन। ये गलत बातें है, ये किताब कोई ऑथेंटिक नहीं है। ये जब ये वहां पे नहीं आते और जहां इनको ये चीज है वहां ये कह देते हैं किताब किताब किताब। ये गलत बातें हैं, सिर्फ एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, आस्था पे ठेस पहुंचाई जा रही है और कुछ भी नहीं है। ले दे के एक चीज आ जाती है कि है कि यार चंदा वहां इकट्ठा हो जाएगा ज्यादा। यार आप लोग क्यों चंदे के ऊपर में जा रहे हो, क्या लेना देना आप लोगों को? 10 सेकंड दिए गए और ये बताओ, करोड़ों लोगों की आस्था के साथ। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि किताब किताब का बहुत जिक्र हो गया है, क्या इस किताब को 100% मैं अब भी कह रही हूँ, 99% नहीं कह रही हूँ, 100% सच मानना जरूरी है क्योंकि करोड़ों साईं भक्त इस वक्त देख रहे होंगे। देखिए, किताब को सच मानना जरूरी नहीं है। आप जब वहाँ शिरडी में जाते हैं और वहाँ देखते हैं हजारों लोग वहाँ फ्री में खाना खाते हैं, भिखारी हैं चाहे जितने भी गरीब हैं वो खाना खाते हैं। उनके गुडनेस को देखो, उनकी अच्छाई को देखो। हम क्यों गलत चीजों में जा रहे हैं कि ये सही है या गलत है? क्यों गलत में जाएं, क्यों सही ना देखें? और जब हमारे पैनलिस्ट अगर दो ये कह रहे हैं कि हम किताब को ही 100% सच नहीं मान सकते हैं क्योंकि किसी भी किताब को 100% सच नहीं माना जा सकता। देखिए सुनिए, हर चीज की एक सैंक्टिटी होती है, वो सैंक्टिटी प्रूव होती है कि वो कहां से निकली है। पहली बात, जहां शिरडी साईं का शिरडी इनकी साईं बाबा की कब्र है वो उसी जगह से वो बुक निकलती है और वही संस्थान जो उसकी टेक केयर करता है वही उसको निकालता है, इसलिए उसकी सैंक्टिटी चैलेंज। दूसरी बात, भारत का सबसे बड़ा जो विदेशी मुद्रा जाता है वो तेल इंपोर्ट करने में जाता है। साईं बाबा ने वो फार्मूला अगर किसी को दे दिया होता ना, हिमाड पंत को या किसी को, कैसे पानी से तेल बनाते हैं, तो भारत का बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा जो है ना वो बच जाता है। हमारे कई हिंदू देवी देवता भारत के, क्यों किसी देवता ने पेट्रोल बनाने का दावा नहीं किया? किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरा स्पष्ट है, ये कोई आस्था नहीं है। अंधविश्वास, अंधविश्वास, शंकराचार्य जी का कोई जिक्र यहाँ नहीं होगा। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है, मैंने सिर्फ इतनी बात करी है, ये कोरा अंधविश्वास है, पूरा अंधविश्वास है सनातन धर्म के अंदर। प्राचीन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में सनातन पद्धति अनादिकाल से चलती आई है। सनातन पद्धति में कहा निराकार आपि साकार सर्व तत्व स्वरूपिणी, यानी हर चीज में परमात्मा का वास है, हर रूप में परमात्मा का वास है। हम तो वो संस्कृति है जिसके अंदर कहा गया है गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि नहि मानुषा श्रेष्ठतरम, हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ ब्रह्म है, इसलिए हर व्यक्ति उपासना के लिए की उपासना की जा सकती है। इस बात को शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बताना तो पड़ेगा के जरिए बस हम यही कहना चाहते हैं कि आस्था जरूरी है, बस अंधविश्वास जरूरी नहीं है। आपको आस्था किस पर करनी है ये आपका निजी फैसला है, आप करिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि किस पर आपको विश्वास करना है। बस अंधविश्वास मत करिएगा किसी पर भी, चाहे वो भगवान हो चाहे वो इंसान हो। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आपको सोशल मीडिया पर पूछे गए सवाल का जवाब भी हम फीसद के जरिए बताएंगे। और बताना तो पड़ेगा, मैं आज हमारे सोशल मीडिया का सवाल था कि क्या साईं बाबा के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, तो इस पर दर्शकों की राय 73% लोगों ने कहा है हाँ, 20% लोगों ने कहा है नहीं ऐसा नहीं, और 7% लोगों का कहना है कि वो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं।